नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार में आज कांग्रेस का महंगाई और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर के वह पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके अंदर हिसार में भारत बंद को लेकर के किसी प्रकार का कोई असर देखने को नहीं मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिसार में नागौरी गेट होते हुए राजगुरु मार्केट, पूजा मार्केट, तलाक की गेट और आदि कई जगहों पर, यानी सभी जगहों पर व्यापारियों से अपील की, लेकिन व्यापारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत बंद को लेकर के भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता भारत बंद का पूरा समर्थन कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिसार में भारत बंद को लेकर के इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। आप देख रहे हैं हिसार पल पल से प्रवीण कुमार की ये रिपोर्ट। कांग्रेसी पार्टी के कार्यकर्ता अश्विनी शर्मा ने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की आवाज पर आज हमने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के, भाजपा सरकार की दोहरी नीतियों को लेकर के, जो लाभ पहुंचाने की बड़ी बड़ी कंपनियों को जो ये भाजपा सरकार लाभ पहुंचा रही है, आज उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और सड़कों पर उतर कर हम मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज डंडे के दम पर बंद कर दी जाती है या उसे दबा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से हर वर्ग दुखी है। महंगाई को लेकर के दिन भर बढ़ोतरी और चोरी जैसी घटनाओं को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के आज जनता बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि आज हमें राष्ट्रीय स्तर पर और गांव-गांव, घर-घर में जाकर के सभी व्यापारी से हाथ जोड़कर शांतिप्रिय तरीके से भारत बंद के लिए अपील की है। आप देख रहे हैं हिसार से पल पल की यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, इस देश के भावी कर्णधार, भावी प्रधानमंत्री श्रीमान राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज हम जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि इस सरकार के द्वारा एक सुनियोजित ढंग से की गई है और ये उन बड़ी बड़ी कंपनियों को वो लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन उद्योगपतियों को और ज़्यादा बड़ा बनाने का काम कर रहे हैं, पूंजीपति बनाने का काम कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ, उस बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ, उस सुनियोजित षड्यंत्र के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का सिपाही सड़कों पर है और हम आज सड़कों पर उतरकर ये मांग करते हैं। चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, कि वो एक समय था कि जब, अभी मैं कह रहा था, हमारे दूसरे एक पत्रकार भाई ने हमसे जब ये बात की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी ने, कि जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब हम 10 साल हमने लोगों की सेवा इस देश में की, लोगों ने हमें सेवा करने का मौका प्रदान किया, तो आप देखिए रिकॉर्डेड है कि उस समय क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में क्या थे और हमने जनता को किस रेट में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करवाने का काम किया। आज व्यापारी त्रस्त है, आज किसान त्रस्त है। आप ये बताइए कि जीएसटी में क्यों नहीं लेके आते? जीएसटी इन्होंने भारतवर्ष की जनता पर, व्यापारी पर थोपने का काम किया। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, 4 वर्ष के हरियाणा प्रदेश के शासनकाल में 5 बार एस्मा कर्मचारियों पर लगाया गया है। ये क्या कर्मचारियों के साथ कुठाराघात नहीं है? क्या इस सरकार में जो भी कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करता है उसका गला घोटने का काम किया जाता है, डंडे के दम पर उसको, उसकी आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम किया जाता है?
हमारी सरकार में हमने इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के इतने महंगे दामों पर भी खरीद कर हमने भारतवर्ष की जनता और आम नागरिक को सस्ते दामों पर तेल, पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करवाने का काम किया। ये रिकॉर्डेड है, हम नहीं कहते, गवाह है इस बात की, पूरा भारतवर्ष गवाह है। आज कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी, जो 2013 में हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास क्लिपिंग है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आपके जो साथी थे आप सभी को मालूम है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त स्मृति ईरानी जी और अन्य नेता कपड़े उतार कर, हरियाणा में अनिल विज जैसे नेता कपड़े उतार कर नग्न बदन के साथ बाजारों में प्रदर्शन करते थे। कहा भ्रष्टाचार रुका, राफेल के सौदे को आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन भी, एक बार भी भारत की सबसे बड़ी पंचायत में क्या राफेल के मुद्दे पर बोलने का काम किया? काला धन वापिस आया, पेट्रोल डीजल के दामों क्यों ना जीएसटी के अंदर क्यों ना लाया जाए पेट्रोल डीजल? ट्रांसपोर्टर है वो रो रहा है, व्यापारी है वो रो रहा है। हमेशा हर बार तुगलकी फरमान इस सरकार के द्वारा जारी कर इस प्रदेश और देश की जनता के गला घोटने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, इसकी निंदा करती है। और आज कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सिपाही राष्ट्रीय स्तर से लेकर आज ब्लॉक स्तर तक गांव-गांव में, शहर में, घर गली कूचे में सभी व्यापारी भाइयों के पास जाकर हम हाथ जोड़कर शांति प्रिय तरीके से हम सबसे अपील कर रहे हैं कि ये जनता का मुद्दा है और सरकार को जल्दी ही इस बारे में निर्णय लेना होगा और भारतवर्ष की जनता को इसमें पेट्रोल डीजल के जो दाम है इसको हम मांग करते हैं कि जीएसटी में लाए। आखिर क्या वजह है? इस वजह से आज हमारा सभी कार्यकर्ता साथी, हम सभी इकट्ठे हुए हैं, विभिन्न मार्केटों के प्रधान और यहाँ के गणमान्य नागरिक हमारे साथ हैं और अभी चूंकि बाजार खुला ही है तो हम सभी साथियों से, व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि ये जनता का मुद्दा है, जनता की मांग है और हम कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सिपाही इस मुद्दे को लेकर आज आप लोगों के बीच में है। कृपया हमें समर्थन और सहयोग दें ताकि इस भ्रष्ट सरकार को, इस पूंजीपतियों का साथ देने वाली सरकार को हम निस्तेनाबूद करने का काम करें और कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बार पुनः सत्ता में आकर देश व प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया था और जो हमारे महान नेताओं की सोच रही थी, उन नेताओं की सोच को हम आगे बढ़ाने का काम करें और इस देश का व्यापारी, कर्मचारी, महिला, किसान सभी वर्ग खुश हो, दलितों के ऊपर अत्याचार बंद हो, पिछड़ों की आवाज़ को दबाया ना जा सके, इन सभी मुद्दों के साथ आज हम सभी साथी, विशेषकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बहुत सी बातें प्रभावित होती है, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, बहुत सी चीज़ों पर इस बात का असर पड़ता है। तो आज हम सभी साथी बाजार में आए हैं और हमें पूर्णतः सहयोग और समर्थन, आशीर्वाद सभी का मिल रहा है। इसी मुद्दे के साथ हम जनता के बिल्कुल निश्चित तौर पर समर्थन मिल रहा है और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमें समर्थन मिल रहा है और आने वाले 8 महीने के पश्चात तकरीबन जब हरियाणा प्रदेश की धरती पर चुनावी बिगुल बजेगा तो आप देखोगे कि 90 में से 80 से ज़्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी पुनः एक बार हरियाणा प्रदेश में काबिज होगी जनता की सेवा करने के लिए। ये हम नहीं कहते, ये वक्त बताएगा।